सबसे अच्छी ऑर्गेनिक खाद किचन वेस्ट से बनती है। ज्यादातर लोग अपने किचन वेस्ट को सूखे कचरे के साथ मिलाकर यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन कई घरों का किचन वेस्ट अलग से इकट्ठा करके बड़े स्तर पर आसानी से बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खाद बनाई जा सकती है। इसकी मार्केट में अच्छी मांग है। किचन वेस्ट से बेहद कम खर्च में बड़े स्तर पर बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद बनाने की विधि खोजी है राजस्थान में भिवाड़ी के रहने वाले राम प्रकाश जी ने। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह, मेरे साथ हैं राम प्रकाश जी। राम प्रकाश जी ने काला सोना बनाने की बहुत आसान विधि खोज ली है। जी हाँ, काला सोना। ये देखिए मेरे साथ में, आप जो नीचे देख रहे हैं काला सोना बन रहा है, और इस सोने को लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। अब आप कहेंगे ये काला सोना कैसे है। हमारे किचन से निकलने वाला जो वेस्ट है, कचरा है, उसको आम तौर पर ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं और वो सड़ता रहता है। लेकिन यदि उसी वेस्ट से खाद बना ली जाए तो वो खाद इतनी अच्छी होती है कि हमारे किचन गार्डन में, खेतों में सोने का काम करेगी। इतने न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। लेकिन उसे आसानी से कैसे बनाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग किचन वेस्ट से खाद बनाना चाहते हैं। उसकी बहुत आसान विधि खोजी है राम प्रकाश जी ने, और ये इतनी अच्छी विधि है कि आपने यदि इसको देखकर अपना लिया तो आप समाज का बड़ा भला कर पाएंगे, बहुत हित कर पाएंगे। राम प्रकाश जी ने दो ड्रम का एक मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल में 200 लीटर के ड्रम लगाए गए हैं। इन ड्रम में बहुत से छेद करके इन्हें एक स्टैंड पर लगाया गया है। ड्रम स्टैंड पर इसलिए लगाए गए हैं ताकि इन्हें आसानी से घुमाया जा सके, और सुराख इसलिए किए गए हैं ताकि इसमें ऑक्सीजन आसानी से चली जाए। गीले कचरे से बढ़िया खाद बनाने के लिए कचरे को रोटेट करना जरूरी है ताकि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिलती रहे। इन ड्रम में गीला कचरा डालते रहें और साथ में कंपोस्ट मिक्स मिलाकर दिन में 5 बार घुमाएं। जब ड्रम भर जाए तो इसे 20 दिन के लिए बंद करके रख दें। अब दूसरे ड्रम में गीला कचरा डालना शुरू कर दें। बंद किए हुए ड्रम को रोजाना 5 बार घुमाएं। इस तरह 20 से 25 दिन बाद ऐसी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इस खाद को छानकर पैक कर लें। ये बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है और इसके पीछे साइंस है। साइंस यही है कि हमारे जो किचन वेस्ट होता है उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं। हमें ज़रूरत है उस बैक्टीरियाज को एक एटमॉस्फियर देने की, कंड्यूसिव एटमॉस्फियर, ताकि वो बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते रहें। और इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक कंपोस्टिंग। उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और हवा जाती रहे तो जीवाणु फैलते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे जीवाणु बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे उसको खाद बनाने की प्रक्रिया और फास्ट होती रहती है। इसलिए हमने सोचा, इसका एक ड्रम हमने लिए, ये ड्रम ऑर्डिनरी ड्रम है, और उनको एक स्टैंड के ऊपर माउंट कर दिया। इसमें अगर आप देखेंगे हमने सुराख किए हुए हैं, ऊपर से भी आप देख सकते हैं और साइड से भी सुराख कर सकते हैं। इसकी एक मात्रा में सुराख करते हैं, ना ज़्यादा छोटे होने चाहिए ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए, और ये एक निश्चित डिस्टेंस पर होने चाहिए। वो हमने बार बार एक्सपेरिमेंट करके हमने फ्रीज़ कर दिए हैं। काफ़ी साल लगे मुझे इसमें ट्राई करने में कि क्या इसका अनुपात होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए। फिर जो हमारा कचरा होता है उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं उसको ग्रो करने के लिए हमें कार्बन डालना पड़ता है। फिर हमने कोकोपीट डाला, और फिर उसके बाद में हमने और उसके अंदर इन्ग्रीडियंट्स डाले, तो अब उसको हम बोलते हैं कॉम्पोस्टिंग मिक्स, इनिशिएटर एंड एक्सेलरेटर। वो एक मिक्स हमने इसमें डाला। ये करीब करीब जो है, जब एक्सेलेटर हम डालते हैं तो इसकी प्रक्रिया ये है कि इस ड्रम में हम कचरा डाल देंगे और 5%, ये अनुपात भी जो है हमने कई एक्सपेरिमेंट करके निकाला है, 5% एक्सेलेटर मिक्स इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसको घुमाते हैं। घुमाने के दो पर्पज़ हैं, एक तो एक्सेलेटर मिक्स हमारा अच्छी तरह से मिल जाता है, और जब हम घुमाते हैं तो इन छेदों के द्वारा फोर्स से ऑक्सीजन अंदर जाती है। जब फोर्स से ऑक्सीजन अंदर जाती है तो कीटाणु अच्छी तरह से और अच्छे अनुपात में बढ़ते हैं। और फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये हमने पाया कि ये करीब ड्रम जो है हमारा, जब भी ड्रम भर जाए करीब इसमें 15-20% ऊपर का हम खाली छोड़ते हैं, ताकि जब हम ड्रम घुमाएंगे तो सामान ऊपर नीचे हो। अगर पूरा भर देंगे तो एज इट इज़ घूमता रहेगा, मिक्स नहीं होगा, तो वो छोड़ देते हैं ऊपर हम, फिर उसको घुमाते रहते हैं। जब वो
करीब 80% भर जाता है तो उसमें फर्दर डालना बंद कर देते हैं, परंतु घुमाने का सिलसिला रोज़ 5 दफ़ा 1 दफ़ा ज़रूर घुमाना है हमको। घुमाने से वही एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर होती रहती है। जब पहला वाला ड्रम भर गया फिर अगले दिन हमने दूसरा शुरू किया। इस प्रकार से ये अनुपात हिसाब लगाया गया कि जनरली एक परिवार में 500 से 600 ग्राम प्रतिदिन कूड़ा निकलता है। अब इसकी कैपेसिटी 100 किलो की है तो ये 15 घरों के लिए एक सिस्टम काफ़ी है। जब ये भर जाता है तो ये शुरू कर देते हैं और उसको 20 दिन तक छोड़ देते हैं। 20 दिन के अंदर हमने ये पाया कि आपकी बिल्कुल अच्छी खाद बन जाती है जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर है, भारतीय मानकों के अनुरूप है और इसकी टेस्टिंग नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाज़ियाबाद में हुई है और उन्होंने इसको प्रमाणित भी किया है। ड्रम्स की और जानकारी आप राम प्रकाश जी से ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।